अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू टीचर नाही दस्कर। मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स के डिजिटल एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुश आमदीद। किंगडम उर्दू सीरीज में आज हमने जो काम करना है वो है एक छोटा सा होमवर्क मश्क, जिसे हम कहते हैं। ये मश्क हमने क्या करनी है, अलिफ को लिखना सीखना और अलिफ मत। ये आपके सामने नजर आ रहा होगा, कितने प्यारे से ये लिखे हुए हैं, डॉट्स डले हुए हैं। आपने सुर्ख नुक्ते से नीचे की तरफ लाना है, अलिफ बन जाएगा। सारे नुक्तों को मिलाएं तो ये अलिफ बन जाएगा। और इससे आगे वाला देखें, इसके अंदर अलिफ के तरह बिल्कुल आपने अलिफ बनाना है पहले, और फिर उसके ऊपर क्या आएगी, मत। तो ये क्या बन जाएगा, अलिफ मत आ। जब आपने इसे लिख लिया तो अब आपने क्या करना है, आपने अलिफ को भी रंग भरना है। हाँ जी, अलिफ को रंग भरे और फिर ये अलिफ मत आओ को भी रंग भरे। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। अब हमने इससे नीचे एक काम करना है, आपने ये मुझे तलाश करके बताना है कि यहाँ अलिफ से शुरू कौन सा लफ्ज होगा, आ आदमी या आ अनानास। इनमें से अलिफ से शुरू होने वाले कौन से लफ्ज हैं, आ आदमी नहीं, आ अनार, आ अनानास, ये अलिफ से शुरू हो रहे हैं। अब आप देखें कि अलिफ मद आ से क्या लफ्ज शुरू हो रहा है, आम भी है और अनार भी है। आ आम, आ अनार, अलिफ मद से क्या शुरू हो रहा है, आ आम। जी हाँ, आज हमने इसको लिखना भी फिर से सीखा और हमने इसकी मश्क की कि इससे कौन सा लफ्ज बनता है। जी प्यारे बच्चों, अब हमने एक एक हर्फ को अलग से देखना है। ये आपको नुक्ते लगे हुए नजर आ रहे हैं, आ अलिफ भी है, नून अलिफ रे, अलिफ नून अलिफ ना, अलिफ नून अलिफ ना रे, क्या बन गया, अनार। अलिफ नून अलिफ रे अनार। दूसरा हमने क्या है, यहाँ अलिफ मद आ है, पेंसिल लगाएं इसके ऊपर, पेंसिल फेरें, सारे नुक्तों को मिलाएं, लाम इसका नुक्ता मिलाएं सारे, वाव, क्या बन गया, अलिफ मद आ लाम वाव आलू। ये हमारी मश्क थी। प्यारे बच्चों, हमारा आज का सबक, आज की मश्क यहीं पे ख़त्म होती है। इंशाल्लाह ताला अगले सबक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।